हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल रिचेज फंड पे। दोस्तों आज के इस वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कैसे करके आप जियो का पेमेंट्स बैंक बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो देखो, जियो भी उनका वेबसाइट पर बोल रहा है बहुत ही आसानी से इस पेमेंट बैंक को आप इजीली बना सकता है। लेकिन देखो, जियो का इस पेमेंट बैंक बनाने का चक्कर में दो मेजर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा कैसे क्रिएट करेंगे जियो का पेमेंट बैंक। तो देखो, सबसे पहला मेजर प्रॉब्लम है वहां पर जो बैनर है क्रिएट का, जो क्रिएट सेविंग्स बैंक का जो बैनर है किसी के जियो अकाउंट के अंदर शो नहीं कर रहा है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो है हाउस नंबर को लेके। तो देखो, बहुत ज्यादा लोग के आधार कार्ड के अंदर हाउस नंबर नहीं है, तो वो लोग आधार कार्ड से डेटा ले रहा है तो हाउस नंबर ब्लैंक हो रहा है एंड सबमिट नहीं हो रहा है लास्ट स्टेप पे जाके, ठीक है। तो दे जो मेजर प्रॉब्लम अभी है, शायद इसको जियो को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेगा तो गांव का एक भी बंदा यहाँ पर रजिस्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि गांव का एक भी घर के अंदर हाउस नंबर नहीं है। तो चलो वीडियो को मैं फटाफट शुरू करता हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो, मेक श्योर वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि सबको इस दो मेजर प्रॉब्लम के बारे में पता चले एंड प्रॉब्लम को कैसे निपटना है वो भी आप लोगों को पता चले। तो चलो, पहला प्रॉब्लम को निपटना बहुत ही आसान है, इसको तो आप इजीली कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले आपको पेमेंट बैंक बनाने के लिए एक जियो का मनी वॉलेट जरूरी है, ठीक है। तो जियो का मनी वॉलेट तो फटाफट बन जाएगा, उसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद सिंपली डाउनलोड कर लेना है जियो मनी एप्लीकेशन। तो जियो मनी बीटा करके एप्लीकेशन होगा, उसको सिंपली आपका फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद फटाफट वहां पर जैसे एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, आपको वहां पर मांगेगा लोकेशन का परमिशन। लोकेशन का परमिशन को दे दो, उसके बाद सिम स्लॉट चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। आप चाहे तो जो कुछ भी सिम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप जाके जियो का सिम को चूज़ करो, क्योंकि ताकि कुछ भी गड़बड़ी या दिक्कत ना आए। तो जियो का सिम को आपको चूज़ करना होगा एंड सेंड SMS के अंदर टैप करना होगा। तो जैसे टैप करेंगे आपको अदर्स कुछ डिटेल्स अभी भरना पड़ेगा, जैसे कि मान लो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, ये आपको एंटर करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद और कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन देना होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड दो बार एंटर करने के बाद उसको भी प्रोसीड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा एक ID कार्ड का। तो ID कार्ड आप जो कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ का ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा पैन कार्ड का इस्तेमाल करिए। पैन कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा यहाँ पर दोनों अकाउंट को लिंक करने का, ठीक है। तो आपने पैन कार्ड यहाँ पर लिंक करके सिंपली वहाँ पर कर दो सबमिट। उसके बाद आपको 4 डिजिट का पिन सेट करने के लिए बोलेगा, उसके पहले एक OTP भी आएगा। OTP आने के बाद आप पिन को सेट कर लो, हो गया तैयार आपका जियो मनी वॉलेट। तो चलो, सबसे फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने पूरा कर लिया बहुत ही इजीली, यहाँ पर तो एक भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलो, आपने ये स्टेप तो पूरा कर लिया, इस स्टेप को आप लोग भूल जाओ, अभी आओ सेकंड स्टेप के अंदर, यहाँ पर गड़बड़ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम है ये जो बैनर, यानी क्रिएट सेविंग्स बैंक का जो बैनर है ब्लू कलर का, वो आपको जियो एप्लीकेशन के अंदर शो ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, इसको तो निपटना मैंने पहले ही बोला बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक डेडिकेटेड लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उस लिंक के थ्रू आप जाओ, नहीं तो आप गूगल सर्च करो, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक लिंक, क्योंकि गूगल सर्च आपको करना पड़ेगा जियो सेविंग्स बैंक करके। तो जियो सेविंग्स बैंक का पहला वाला लिंक के अंदर क्लिक करो, वहां पर जैसे एक पेज ओपन होगा ना, वहां पर अपग्रेड सेविंग्स बैंक करके एक ऑप्शन रहेगा, वहां पर जैसे टैप करेंगे तो आपको खोलने के लिए बोलेगा जियो का एप्लीकेशन। तो जियो का एप्लीकेशन जैसे आप ओपन कर देंगे, आपका सिंपली आ जाएगा वहां पर एक अलग सा इंटरफेस, यानी जियो का सेविंग्स बैंक ओपन करने का जो पेज है वहां पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद आपको सिंपली फ़ोन वेरिफिकेशन होगा, यानी फ़ोन का डिवाइस वेरिफिकेशन होगा, एक SMS ऑटोमेटिक सेंड होगा। वहाँ पर डिवाइस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको MPIN सेट करने के लिए बोलेगा, वो होगा जियो पेमेंट्स बैंक का। तो उसको भी आप सेट कर दो, MPIN सेट करने के बाद आप फिंगरप्रिंट भी सेट कर सकते हैं। तो दोनों आपने सेट कर लिया, सेट करने के बाद वहाँ पर ही ये स्टेप भी खत्म होता है। तो देखो, इस स्टेप के अंदर भी ब्लू कलर का जो ऑप्शन था वो आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप लिंक के थ्रू जाके इस स्टेप को फॉलो कर लिया, यानी पूरा कर लिया। तो चलो, अभी मौका है, यहां पर आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड। लेकिन देखो, आधार कार्ड देने का जगह अभी तक
यहाँ पर जियो ने अपग्रेड नहीं किया है, मतलब वो ब्लू कलर का जो आइकन है अभी तक आप लोगों को नहीं शो होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो अभी इतना स्टेप तक यानी दो नंबर स्टेप तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी देखो आपको एक घंटा बाद ओपन करके देखना है, सेम टू सेम मेरा वीडियो का लिंक भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, अपग्रेड अकाउंट के अंदर क्लिक करके देख सकते हैं, वहां पर हो सकते हैं आपका ब्लू कलर का आइकन जो है आ जाए, यानी ब्लू कलर का बैनर जो है आ जाए। नहीं आएगा तो आप एक दिन बाद, जैसे कि मैंने कल क्रिएट किया था, कल भी मुझे नहीं मिला था, आज जाके मुझे मिल चुका है ब्लू कलर का जो आइकन है, ठीक है। तो ब्लू कलर का जो बैनर है वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, एक दिन एक दो दिन बाद भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, आ गया तो वहाँ पर जाके क्लिक करो। तो क्लिक करने के बाद आपको इस बार देने के लिए बोलेगा आधार कार्ड नंबर, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर आप फटाफट भर दो, एंड इसी आधार कार्ड के अंदर ना आपका फ़ोन नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस फ़ोन नंबर के अंदर आपका एक OTP आएगा, यानी ये जो पूरा वेरिफिकेशन होगा OTP ऑथेंटिकेशन के जरिए होगा, ठीक है, आपका फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। तो चलो वहाँ पर आपने आधार नंबर भर दिया, तो आधार नंबर भरने के बाद आधार नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर के अंदर एक OTP आएगा, OTP को सिंपली आप लोग भर दो। तो OTP को भरने के बाद एक बेसिक डिटेल्स आपको पूछा जाएगा, आपका पापा का नाम वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका मम्मी का नाम वहाँ पर देना होगा, एंड और कुछ भी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर हो गया, ऐसा कुछ देने के बाद आपको सिंपली आप स्टूडेंट हो, आपका मंथली सैलरी कितना है, आप क्या जॉब करते हैं या कुछ अदर से कमाता है, सब कुछ आपको देने के बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद लास्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर भी आपको एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगा, जो कि है हाउस नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम विलेज का बंदी का होगा, टाउनशिप पे जो लोग रहता है जिसके पास ऑलरेडी हाउस नंबर अवेलेबल है, जिसके आधार कार्ड के अंदर हाउस नंबर ऑलरेडी अपडेट है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन जो लोग गांव पे रहता है उन लोगों का हाउस नंबर नहीं रहता है, जब आधार कार्ड क्रिएट हुआ था तब भी हाउस नंबर नहीं लिया था जब आधार कार्ड वालों ने, तो आधार कार्ड से इन लोगों का मैच नहीं हो रहा है, मतलब हाउस नंबर ब्लैंक हो रहा है, तो वहाँ पर अपग्रेड का वहाँ पर जो ऑप्शन है प्रोसीड का ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा है इसके वगैरह, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब होगा मुझे भी नहीं पता, मैं जियो से भी कांटेक्ट करूंगा, आप लोगों को भी मैं रेकमेंड करूंगा आप इससे रिलेटेड जियो से कांटेक्ट करो, क्योंकि जियो ही आपको इसका रिलेटेड हेल्प कर सकता है, क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा लोग विलेज से बिलोंग करता है, तो विलेज वालों के लिए बहुत ही परेशानी होगा ये जियो पेमेंट बैंक ओपन करने का, ठीक है। तो इतना स्टेप तक आप लोग पूरा करके रखो, कुछ भी अपडेट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, एंड आप लोग को सक्सेसफुल ट्रिक बता दूंगा कैसे करके आपको पूरा का पूरा बैंक को सक्सेसफुली ओपन करना है, इतना स्टेप तक आपको अभी फील करके रखना है। आप लोगों को मैंने दो प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम बताया, इस प्रॉब्लम का पहला का सोल्यूशन भी मैंने बता दिया, मैंने स्पेसिफिक लिंक भी आप लोगों को दे दिया, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन एकमात्र जियो ही कर सकता है। तो आप लोग जियो को कॉल करो, कॉन्टैक्ट करो, मैं भी कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, इतना तक ही आप जियो का पेमेंट्स बैंक अभी के लिए ओपन कर सकता है। जो कुछ भी आप यूट्यूब पे वगैरह वीडियो देख रहे हैं सब लोग तो बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों का वहाँ पर टाउनशिप पे घर है इसलिए, लेकिन जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, बाद में कुछ भी अपडेट आएगा तो मेरा चैनल पे मैं भी अपडेट कर दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मुझे पता है वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा, एंड आप लोग भी एक जियो का पेमेंट्स बैंक बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को मेक श्योर आप लोग लाइक करके सारे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि सबको इस वीडियो देख के कुछ जानकारी मिल जाएगा जियो का पेमेंट्स बैंक के रिलेटेड। तो चलिए फिर मिलूंगा अगले और कोई न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।